पे जो है जोर शोर से जो है इफ्तारी की तैयारी हो रही है और मामा जो बना रही है वो बना रही है बैंगनिंग। ये देखिए बैंगनिंग किस तरह, ये मामा ने बेसन, बेसन में क्या ऐड किया मामा? पहले बैंगन काट के, बैंगन को धो करके बैंगन के पीसेस करके उसमें बेसन लपेट के रख दिया। ये देख लें सूखा बेसन, सही है, इसको बेसन में कोट कर दिया। ठीक है, फिर अब ये बेसन है, इसमें मीठा सोडा, नमक और लाल मिर्च। ओके, लाल मिर्च डाल करके बस फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये बैंगनिंग। ये देखेंगे बैंगनिंग बना रही है मामा, और मैं जो अभी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ दही फुल्कियाँ। कल तो मेरी नोज जो है ना स्वेल हो गई थी, मोटी पकौड़े जैसी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी मतलब बेटर है। और अभी जो है मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ मार्केट ग्रोसरी करने, क्योंकि मेरे घर भी तो बेटा स्टार पार्टी होगी ना, या मेरे घर में स्टार पार्टी नहीं होती है, होगी, तो उसी की जो है ग्रोसरी वगैरह मैं करने मम्मा के साथ जा रही हूँ जल्दी जल्दी। और चले फिर आपको मेरे साथ चलना है, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आप सबको अपने साथ लेके जाती हूँ। आम निकलते ही मुझे खान साहब दिख गए। ये जो है ये ईरानी सामान इनके पास होता है इनके ठेले पे, तो मैंने यहाँ पे ईरानी क्रीम चीज़ ली और ईरानी जो है फ्रेश क्रीम ली, और ये डाइजेस्टिव बिस्किट है ना ये राहिल खाता है। अच्छा जी, ये वही वाली फ्रेश क्रीम है जिसका मैंने कल की वीडियो में ना आपसे अपनी कुकिंग वाली वीडियो में जिक्र किया था कि ये 110 की है और नेस्ले वाली जो है ना वो 200 से अबव है। यहाँ पे इफ्तारी के सारे सामान जो है ख़त्म वतम होते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपको स्ट्रीट इफ्तारी भी करके दिखाएंगे। तैयारियाँ वगैरह अब समेट रहे। और यहाँ पे फाइनली जो है मैं और मामा चिकन के शॉप पे आ गए, और चिकन के रेट्स जो हैं काफ़ी डाउन नज़र आ रहे हैं, और 530 रुपीज़ की फुल जो है वो चिकन दे रहे हैं, जैसे कि कराची में जो है 700 तक चिकन जा चुकी थी। तो यहाँ पे जब फिर भी मामा जो है कोशिश कर रही हैं कि जितनी बार्गेनिंग हो सके ना उससे ना जो हम बार्गेनिंग यहाँ पे कर लें, लेकिन वो उसने भी उसी रेट में दिया जो लिखा हुआ है 530 की। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से चिकन ले रहे थे, और ये चिकन जो है हमारे घर में जो पार्टी होने वाली है ना उसके लिए। ये कराची का नज़ारा है, ये देखें कितनी रौनक हो रही है। और ये टाइम है इफ्तारी के 1 घंटे के बाद का, क्योंकि मैं और मामा जो है इफ्तारी के तकरीबन 1 घंटे बाद जो है वो घर से निकले थे, क्योंकि 9:30 तक ना हमारी किसी किसी दिन जो है वो लाइट चली जाती है, हफ्ते में किसी किसी दिन जाती है, रात में नहीं, तो रमज़ानों में ना ज़्यादातर नहीं जा रही। यहाँ पे जो है हमने चिकन जो है वो अपनी ले ली थी पार्टी के हिसाब से, जो जो चीज़ें जो है हमें रेसिपी जो है वो बनानी थी हमने पहले डिसाइड मेन्यू बना लिया था मैंने और मामा ने, वो मेन्यू भी मैं आपसे पार्टी वाले दिन ही शेयर करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि प्रिपरेशन में तो थोड़ी टाइम लगती है, अभी तो बस शॉपिंग वगैरह करनी है। यहाँ से जो है सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, और मामा जो है यहाँ से ले रही है तंदूरी रोटियाँ, क्योंकि अभी जब हम घर जाएँगे ना तो 9 बजे जो है आजकल जो है हमारी गैस जो है वो चली जा रही है, और वो आती है 3 बजे या रात के 2:30 या 3 बजे, तो इसलिए मामा ने कहा टाइम तो है नहीं घर जाके रोटियाँ बनाने का, तो हम ये ले लेते हैं। फिर हमने साउथ कैसे जो है समोसे और रोल की शीट ली। उसके बाद मैं यहाँ आ गई लशपश के बर्गर लेने। जनाब क्या मज़ेदार बर्गर, स्पेशली जो है सबीका को यहाँ का बर्गर जो है ना, ये लशपश वाला जो बर्गर है ना, इनका बर्गर सबीका को कोई इतना पसंद है, इतना पसंद है, बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं। और ये सबसे पुराने बर्गर वाले यहाँ पर हैं, इनकी जो इनका जो ठेला है ना उसके साथ ये मसला हुआ हुआ है कि इस वक्त ये छुप गया है इनके ठेले के जो आगे। ये देखें मामा को यहाँ पे चेयर पे ना मैंने सारा सामान लेके बैठा दिया है। इनके ठेले के आगे जो है सामने दूध वाले की दुकान है नागोरी वालों की, उन्होंने ना अपनी गाड़ी जो है खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से बेचारे बड़े परेशान हैं, और इनका जो ठेला है ना थोड़ा सा छुप गया है। लेकिन ये यहाँ परफ्यूम चौक के सबसे पुराने लशपश बर्गर के नाम से, मेरे ख्याल से आप किसी से ही पूछेंगे ना वो आपको बता देंगे लशपश वाले कौन है। बर्गर की तो बहुत सारी दुकानें खुल गई है, लेकिन ये जो ख़ास मज़ेदार सा बन कबाब बनाते हैं ना, बहुत मज़ेदार ये बनाते हैं, और सभी का कोई ये बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और इत्तेफाक के बाद मैं इतनी जगह का जो खाना खाती हूँ ना, तो बहुत जगह का खाना खाने के बाद मैं थोड़ी बीमार भी हो जाती हूँ, लेकिन इनके यहाँ का खाना खाने के बाद ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, या मैं कभी कोई बीमार वगैरह हुई, यानी इस तरह का कोई भी इशू मेरे साथ नहीं हुआ। बहुत अच्छा ये बर्गर यहाँ पर बनाते हैं, तो अगर आप परफ्यूम चौक और ब्लॉक 18 में कभी आए हैं तो इनका बर्गर जो है ना आप ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि मैं ऑनेस्टी से, आपको पता है कि मैं यहाँ आने में कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हो नहीं कि अभी मैं किसी का ऐड कर रही हूँ, मैं ऑनेस्टी से बात कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी ये बर्गर बनाते हैं। तभी जो है बार बार जब भी मैं जाती हूँ ना मैं इनका बर्गर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी इस वक्त थोड़ी गाड़ी की वजह से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिल्कुल इनके ठेले के आगे उसने अपनी गाड़ी जो है ना वो खड़ा कर दिया, तो मुझे और मामा को ना इस तरीके से घूम के चबूतरे पे मतलब चढ़ के ऊपर से जाना पड़ा था, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, उसको भी अपनी गाड़ी जो है वहाँ से हटा लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा किसी को परेशान करने का। लेकिन खैर हम तो पाकिस्तानी हैं और हम किसी को बढ़ते हुए तो देख नहीं सकते, ज़रा सा पावर है तो हमें तो दिखाना है। खैर अब से यहाँ पर बर्गर वगैरह लेने के बाद जो है मैं
मैं और मामा दही की शॉप पे आ गए थे और आज जो दही हम ले रहे थे वो लकी वन से ले रहे थे, क्योंकि पापा ने बोला इनकी दही बड़ी थिक होती है, क्योंकि ये जो है भैंस के दूध की दही बना रहे होते हैं। आई डोंट नो और वाले किसके दूध के बना रहे होते हैं, लेकिन खैर लकी वन की दही पापा जब भी लाते हैं ना, इसके बड़े बड़े मज़ेदार और गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। जो है मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है मैं जा रही हूँ नेबर्स के, मतलब के अरीशा वालों के यहाँ। बच्चे जो है बहुत दिनों से ईद का कपड़ा जो है वो लेकर आए थे, मुझे कुछ कपड़े उन्होंने ईद के दिखाए, बाकी कह रहे थे कि दिखाने। मैंने कहा आप लोग रखो, मैं खुद आती हूँ आपके घर और आपके ईद के कपड़े देखती हूँ। तो चले फिर मैं भी देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी शायद आइडिया होते हैं बच्चों के कपड़े कैसे होते हैं। अच्छा आशु तुम नहीं जा रही हो? आप नहीं जा रहे हो? चलो ये फातिमा के टैडी हैं, फातिमा की शॉपिंग दिखाएगी मुझे, मैं लेके चली जाऊँगी अपने साथ ईद के कपड़े फातिमा के। चाहिए? हाँ ओके, हाँ ओके, चलो दिखाओ, बिल्कुल फिट आएगा। चलो जल्दी देख लीजिए लिटिल फातिमा के कपड़े। भाभी ये क्या प्राइस है इनकी? अच्छा चले ठीक है, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फातिमा, ये लगा के दिखाओ आप मुझे अपने ऊपर, लगा के दिखाओ ये वाला कितना प्यारा प्यारा, 3 डेज के फातिमा के देखिए कितने प्यारे प्यारे से कपड़े आए। फातिमा तो बहुत प्यारी लगी। अच्छा फातिमा आप इसे ईदी लेने कौन वाली ड्रेस पहन के आएगी? हाँ हाँ ये वाली पहन के आएगी। अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के आएगी तो फिर मैं अच्छी ईदी दूंगी, तो मैं ईदी नहीं दूंगी। हाँ सही है अरीशा, चलो अरीशा जल्दी से अपना ड्रेस दिखा दो। अरीशा की ड्रेस ये आई है ईद की, तो अरीशा ये वाला पहन के आएगी ईद वाले दिन? दूसरे दिन पहन के आओगे, तो ईदी तो मैं एक दिन दूंगी फिर। फातिमा की जो छोटी छोटी सी ड्रेस है फातिमा की, ड्रेस आयशा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। 3 ड्रेस हुए, ओए दिखाओ। वाओ जी वाह, बड़ी प्यारी माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा यानी ये सारे कॉटन के है ना जी। गर्मी के हिसाब से बच्चों को मतलब बहुत रिलैक्स फील होगा। यस और दूसरी वाली दिखाओ, दूसरी वाली दिखाओ। जबरदस्त। और ये टॉप दिखाओ, आयशा का टॉप दिखाओ, वो अरीशा आयशा का टॉप दिखाओ। ये अभी ये स्कर्ट अरीशा बेचारी का टॉप नहीं आया, ये आयशा का जो है स्कर्ट आ गया और आयशा की जो है ये वाली इसकी टॉप आ गई। जबरदस्त माशाल्लाह, यानी सब बच्चों के 3 ड्रेस बने। ये देखिए भाई, ये घर की जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह, देखिए हर घर में उसकी शॉपिंग ज्यादा होती है, जैसे कि मेरे घर में मेरी होती है या आयशा की होती है। छोटी से कपड़े में निप जाता है। ये कितना खूबसूरत, ये रेडीमेड है। चले जी बच्चों की जो है वो शॉपिंग वगैरह में देख के आगे, मैंने आपको दिखाई कि बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी शॉपिंग हुई है, कितनी क्यूट सब लगता है। तो चले जी इसी के साथ ही आज की वीडियो को बस यहीं पे जो है एंड करते हैं, और अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी, बर्गर लेके आए हुए बर्गर खाऊंगी, और मामा ने गोश्तों का सालन बनाया है वो खाऊंगी। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं, अपनी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए।